प्रॉब्लम शीट 3 में क्वेश्चन नंबर 29-42 ये हमें देखने हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, पॉज करके क्वेश्चन नंबर 29-42 को सॉल्व करके देखना है। उसके बाद यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो उसको आपको देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के। देख क्वेश्चन नंबर 29 क्या दे रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल मेटल कॉम्प्लेक्स विल शो 3 spin अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। देखो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 spin अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करता है, ये हमको देखना है। ए ऑप्शन क्या दे रखा है, T2G1 ये आपको दे रखा है, मतलब एक तरह से D1 का केस हो गया। और अपन को पता है अगर इसका ऑर्गल हम बनाएंगे तो 2D टर्म यहाँ पर बनेगी और इसका ऑर्गल बनेगा T2GEG। ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2-2, तो इसके अंदर एक ही DD ट्रांजिशन है। जबकि आपसे क्या पूछा गया है कि 3 spin अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इसके अंदर तो केवल एक ही होगा D1 के केस में, ये इसका ऑर्गल होगा, ठीक है। बी आपको क्या दे रखा है, बी आपको दे रखा है 3, ठीक है ना। बी आपको दे रखा है T2G3। देखो अगर इसकी बात करते हैं तो D3 का केस है, D3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर ही रहा है, तो देखो D3 का ऑर्गल इधर बनेगा ना, D8 का ऑर्गल इधर बनता है। तो अगर इसकी बात करते तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन 3 होंगे कैसे, T1G P T1G F और T2G F और A2G F। मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो यहाँ पर 3 3 3 3, सॉरी अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है ना, तो मल्टीप्लिसिटी होगी यहाँ पर 4 4 4 4, ये यहाँ पर होगा। समझ में आ रहा है। ट्रांजिशंस की बात करें तो यहाँ पर ट्रांजिशन ये होंगे यहाँ से यहाँ पर, कितने नंबर ऑफ ट्रांजिशन यहाँ पर 3 होंगे, तो यही अपना आंसर होगा। आपसे ये तो पूछा है कि कितने स्पिन 3 spin अलाउड ट्रांजिशन किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है, ये आपसे पूछा गया है। देखो नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है, नेक्स्ट दे रखा है सी की बात करें तो 3 यहाँ पर T2G3 EG2। देखो ये D5 हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल का केस हो गया, इसमें कोई स्पिन अलाउड ट्रांजिशन नहीं होता, ये तो स्पिन फॉरबिडन है ना, ये स्पिन फॉरबिडन। इसका मतलब स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस कितने होंगे यहाँ पर, स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस होगा 0, कोई स्पिन अलाउड ट्रांजिशन यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट कौन सा है भाई, नेक्स्ट है D T2G6 EG3। देखो T2G6 EG3, इसकी बात करें तो D9 ऑक्टाहेड्रल का केस है, अगर इसका ऑर्गल हम बनाए हैं तो देखो D4 D9 का ऑर्गल इस साइड में बनता है, तो यहाँ पर होगा देखो EG T2G, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 आएगा तो मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर 2 होगी, टर्म होगी यहाँ पर 2D, ये टर्म यहाँ पर बनेगी, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रांजिशंस की बात करें तो यहाँ पर 1 होगा, तो यहाँ पर डी ट्रांजिशंस कितना हो गया 1। हालांकि आपको बता देते हैं कि जॉन टेलर डिस्टोर्शन के कारण, इसमें स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टोर्शन है ना, और इस जॉन टेलर डिस्टोर्शन के कारण इसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है बेसिकली 3 मिलते हैं। कितने एब्जॉर्प्शन बैंड मिलते हैं, 3 एब्जॉर्प्शन बैंड मिलते हैं। जॉन टेलर डिस्टोर्शन के कारण जो आप पर 1 बैंड आपको मिलना चाहिए उसके स्थान पर 3 मिलते हैं, ठीक है ना। तो अगर ऑर्गल के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं तो नंबर ऑफ DD ट्रांजिशन यहाँ पर 1 ही होगा, लेकिन फिर भी अगर एक्सपेरिमेंटली अपन जाते हैं तो एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो जॉन टेलर डिस्टोर्शन के कारण नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड यहाँ पर बढ़ जाते हैं और उनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 29 में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है आपका, समझ में आ रहा है ना। अच्छा अगर मान लो बी ऑप्शन यहाँ पर नहीं होता, सब कुछ करो यहाँ पर D4 या कुछ और दे देता, तो उस कंडीशन में फिर अपन डी पर टिक कर सकते थे, क्योंकि थ्योरेटिकली तो देखा जाए तो एक ही DD ट्रांजिशन है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड 3 ही मिलते हैं, ठीक है। तो अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो अपन इस पर टिक कर सकते हैं, लेकिन अभी ऑप्शन में ये अवेलेबल है तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रांजिशन तो ऑलरेडी यहाँ पर 3 है, इसलिए हम यहाँ पर टिक नहीं करेंगे। किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। तो क्वेश्चन नंबर 29 सबके क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। देख क्वेश्चन नंबर 30 क्या है,
मैच द कॉम्प्लेक्स आइन इन कॉलम फर्स्ट विद द एप्रोप्रिएट लोवेस्ट एनर्जी डीडी ट्रांजिशन लिस्टेड इन कॉलम सेकंड। देखो लोवेस्ट एनर्जी डीडी ट्रांजिशन की बात कर रहा है, लोवेस्ट एनर्जी डीडी ट्रांजिशन, डीडी ट्रांजिशन इसकी बात यहाँ पर की जा रही है, समझ में आ रहा है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर भी इसको सॉल्व करके, ये हो गया क्लियर यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना, समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर आपको क्या दे रखा है, जैसे यहाँ पर कॉलम फर्स्ट और इधर दे रखा है कॉलम सेकंड। देखो कॉलम फर्स्ट में सबसे पहले पी आपको दे रखा है, पी क्या दे रखा है, देखो वी एच टू का होल 62+, देखो वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टार्ट प्लस टू होगी, प्लस टू में ये केस होगा 3D3 का केस, 3D3 ऑक्टाहेड्रल का केस होगा, डायरेक्ट ऐसे ही लिख दो ना। देखो नेक्स्ट है क्यू TiH2 का होल 63+, मतलब D1 ऑक्टाहेड्रल का केस होगा, ये होगा 3D1 ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट है R, नेक्स्ट दे रखा है R, R में क्या दे रखा है, NiH2 का होल 62+, D8 ऑक्टाहेड्रल का केस है, देखो ये हो गया 3D8 ऑक्टाहेड्रल का केस होगा। ट्रांजिशंस की बात करें तो देखो फर्स्ट में यहाँ पर दे रखा है आपको 3A2G से 3T2G, सेकेंड ट्रांजेक्शन आपको दे रखा है 4A2G से 4T2G, थर्ड ट्रांजेक्शन आपको क्या दे रखा है, थर्ड दे रखा है 2T2G से 2EG, ये आपको दे रखा है। अब देखो ध्यान देना, समझना, देखो कई बार कुछ ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं पड़ता, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज यदि आपके है, आपके पास है, तो आप उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है, जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया आपको है तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे भाई, देखो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4 होगी नहीं होगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4 वाला केवल एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, ये वाला, इसका मतलब इससे मैच होगा। यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने है, 1 है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितने होगी, 2, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 वाला एक ही केस है, मतलब इसमें ही आएगा। यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2, इसका मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितने होगी, 3, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 वाला केवल एक ही केस हमारे पास अवेलेबल है। देखो आपको केवल इतना सा पता है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से एक ज़्यादा आते हैं तो ही ये सॉल्व हो जाता है, हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं, क्योंकि जरूरी थोड़ी, जैसे यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4 होगी, लेकिन स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4 वाले एक से ज़्यादा केस हो तो उस कंडीशन फिर आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा और गल बनाकर, ठीक है ना, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं हो रहा ना, तो कुल मिलाकर बहुत सारी प्रॉब्लम डायरेक्ट सॉल्व हो जाती है, कुल मिलाकर ये है। और गल बनाकर देखना चाहो तो देख सकते हो, जैसे अपन बात करें लोवेस्ट एनर्जी डीडी ट्रांजिशन की, देखो D3 D8 का ऑर्गल इधर बनेगा, जब आप ऑर्गल इधर बनाएगा तो T1G T2G T2G A2G तो A2G और ऊपर T2G, केवल ये लिख दे, लोवेस्ट एनर्जी वाला तो यही है T1G P T2G A2G, सबसे कम एनर्जी का ये होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है तो मल्टीप्लिसिटी 4, ये होगा यहाँ पर, देखो 4A2G से 4T2G। इसकी बात करें D1 का और ऑर्गल किधर बनता है, D1 का ऑर्गल इधर बनता है, तो देखो T2G AG, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन तक 2, ये होगा देखो 2T2G से 2EG। D8 का ऑर्गल किधर बनता है, इधर बनता है T1G P T2G, तो T2G और A2G, ये होगा अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 तो मल्टीप्लिसिटी 3, ये ट्रांजिशन होगा, देखो ये रहा। तो चाहो तो ऑर्गल बनाकर चेक कर लो, लेकिन यहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था तो ऑर्गल बनाने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं थी। तो एग्जाम में जैसा आपको सुविधा लगे उसके अनुसार क्वेश्चंस को सॉल्व करना, एग्जाम में मेन टारगेट होता है कि क्वेश्चन नेगेटिव नहीं होना चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व करने में कम से कम टाइम लगे। अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हो तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी।
ठीक है, और सिलेक्शन के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। समझ में आ रहा होगा। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। देख क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, द मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, यहाँ पर देखो ब्रैकेट में मोलर एब्जॉर्प्टिविटी इज मिनिमम फॉर, द मोलर एब्जॉर्प्टिविटी इज मिनिमम फॉर, देखो एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू पूछी, एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी या मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट या ऑप्टिकल डेंसिटी एप्सिलॉन मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, करते है, नहीं करते है? करते है। इसकी वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए। सबसे कम कब होगी, जब अगर कोई ट्रांजिशन अलाउड है तो इंटेंसिटी बढ़ती है, उसके लिए एप्सिलॉन मैक्स ज़्यादा होगा, लेकिन अगर कोई ट्रांजिशन फॉरबिडन हो जाता है तो उसके लिए इंटेंसिटी कम होती है, एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। अब देखो अगर कोई ट्रांजिशन, एक तो कैसे स्पिन अलाउड, एक स्पिन फॉरबिडन, स्पिन फॉरबिडन के लिए एप्सिलॉन मैक्स कम है, फिर एक लेपोट अलाउड, एक लेपोट फॉरबिडन, लेपोट फॉरबिडन के लिए एप्सिलॉन मैक्स कम है। अगर दोनों हो, कोई ट्रांजिशन स्पिन अलाउड स्पिन फॉरबिडन और लेपोट फॉरबिडन हो, स्पिन भी फॉरबिडन है लेपोट भी फॉरबिडन है, तो इसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर इसके बेसिस पर हमको देखना है एप्सिलॉन मैक्स सबसे कम कहाँ पर होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर, आप देखो यहाँ पर देखो ए ऑप्शन आपको दे रखा है, MnH2 का होल 6 प्लस, मतलब ये D5 हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल का केस है, ये स्पिन फॉरबिडन है, स्पिन फॉरबिडन होगा नहीं होगा, स्पिन फॉरबिडन। दूसरा केस ये स्पिन फॉरबिडन है, साथ में सेंट्रोसिमेट्रिक ऑक्टाइडल है, सेंट्रोसिमेट्रिक ऑक्टाइडल है तो लेपोट फॉरबिडन भी होगा, एंड लेपोट फॉरबिडन, लेपोट फॉरबिडन। तो देखो भाई और क्या चाहिए आपको, स्पिन भी फॉरबिडन है लेपोट भी फॉरबिडन है, तो जो एब्जॉर्प्शन बैंड आपको मिलेगा उसकी इंटेंसिटी कम होगी नहीं होगी, एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी कम होगी नहीं होगी, होगी ना कम, इसलिए इसकी इंटेंसिटी सबसे कम आनी है, क्योंकि और क्या चाहिए, स्पिन भी फॉरबिडन आ गया, लेपोट भी फॉरबिडन आ गया, इसके अलावा और क्या चाहिए, यही अपना आंसर होगा। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय चारों ऑप्शन को जरूर देखो, कम से कम प्रॉब्लम शीट सॉल्व करते समय तो देखो, क्यों, क्योंकि हमको हो सकता है कुछ नए कॉन्सेप्ट यहाँ से मिल जाए, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन CrH2 का होल 6 2 प्लस, तो यहाँ पर D4 हाई स्पिन ऑक्टाइडल का केस है, इसका बोले देखो स्पिन, क्योंकि ये स्पिन फॉरबिडन तो केवल दो ही केस होते हैं, कौन से, D5 हाई स्पिन ऑक्टाइडल और D5 टेट्राहेड्रल, ध्यान देना स्पिन फॉरबिडन में दो केस होंगे, कौन से, D5 हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल एंड D5 टेट्राहेड्रल, बाकी सबके सब स्पिन अलाउड है, तो स्पिन अलाउड तो हो गया, स्पिन अलाउड हो गया ना, और सेंटर सिमेट्रिक ऑक्टाहेड्रल है तो लेपोट तो फॉरबिडन होगा, एंड लेपोट फॉरबिडन, लेपोट फॉरबिडन, ये तो भाई है लेपोट फॉरबिडन तो है। सी देखो तो कुल मिला के इसकी इंटेंसिटी तो बढ़ जाएगी ना, क्योंकि स्पिन अलाउड है, हमने हमको पता है कि एक स्पिन अलाउड ट्रांजिशन से जो एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है उसकी इंटेंसिटी स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन के कंपैरिजन में 100 times ज़्यादा होती है। समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या दे रखा है भाई, सी ऑप्शन दे रखा है CoH2 का होल 6 2 प्लस, देखो CoH2 का होल 6 2 प्लस, CO प्लस 2 मतलब कुल मिला के D7 हाई स्पिन ऑक्टाइडल का केस है, ये भी स्पिन अलाउड लेपोट फॉरबिडन होगा, ठीक है ना, बिल्कुल सेम है, देखो स्पिन अलाउड एंड लेपोट फॉरबिडन, ऐसे लिख दो डायरेक्ट, आप पूरा चाहो तो पूरा लिख लेना, स्पिन अलाउड एंड लेपोट फॉरबिडन, लेपोट फॉरबिडन आप चाहो तो पूरा लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ क्या होगा, इसका वाली इसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा है। नेक्स्ट है डी, देखो डी ऑप्शन क्या दे रखा है, देखो ApH2 का होल 6 2 प्लस, FeH2 का होल 6 2 प्लस, तो यहाँ पर हो गया D6 हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल, देखो ये भी स्पिन अलाउड एंड लेपोट फॉरबिडन, लेपोट फॉरबिडन क्यों बोला, क्योंकि सेंट्रोसिमेट्रिक ऑक्टाहेड्रल है। कुल मिलाकर ये सबके सब स्पिन अलाउड लेपोट फॉरबिडन है, जबकि ये स्पिन अलाउड, जबकि ये स्पिन फॉरबिडन लेपोट फॉरबिडन है, इसलिए इसकी इंटेंसिटी सबसे कम होगी, और यही आपसे पूछा है, इसलिए ए हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, देख क्वेश्चन नंबर 32 क्या दे रखा है, ओनली वन एब्जॉर्प्शन बैंड इज ऑब्जर्व्ड इन विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ, देखो
केवल एक एब्जॉर्प्शन बैंड मिलना चाहिए विजिबल रीजन में। देखो ध्यान देना, ए ए क्या है भाई, एन एच पे का होल से 2+D8 ऑक्टेटल का केस है और इसका ऑर्गल बनाएंगे तो यहाँ पर 3 एब्जॉर्प्शन बैंड मिलेंगे, 3 ट्रांजिशन होंगे इसके, तो यहाँ पर हो गया 3 एब्जॉर्प्शन बैंड। इसका मतलब ए तो हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या दे रखा है भाई, ए तो आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी देखना है। देखो TiH2 का होल 6+3+ मतलब ये D1 का केस हो गया, D1 ऑक्टाइडल। देखो अगर D1 ऑक्टाइडल का ऑर्गल डायग्राम बनाते हैं तो T2GEG होगा ना, 2T2G2EG, इसका मतलब एक ही DD ट्रांजिशन होगा तो 1 एब्जॉर्प्शन बैंड यहाँ पर मिलेगा, 1 एब्जॉर्प्शन बैंड। और आपको यही तो बताना है कि एक एब्जॉर्प्शन बैंड किसके अंदर मिलेगा, इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं सी, सी की अगर बात करें तो क्या है, देखो APCN6-4- तो ये क्या होगा, D6 लो स्पिन ऑक्टाइडल का केस हो गया, और अगर इसकी बात करें तो इसके लिए नंबर ऑफ ट्रांजिशन तो मैंने है, बहुत सारे नंबर ट्रांजिशन होते हैं स्पिन अलाउड, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन की केवल बात करूँ तो 2 होते हैं, 2 ही सिग्निफिकेंट एब्जॉर्प्शन बैंड यहाँ पर मिल पाते हैं, क्योंकि बाकी जो ट्रांजिशन होते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। देखो 2 एब्जॉर्प्शन बैंड यहाँ पर बेसिकली मिलता है, 2 एब्जॉर्प्शन बैंड होते थे इसके बहुत सारे ट्रांजिशन, क्योंकि इसके अंदर आई टर्म बनते हैं, I1 जिसकी स्प्लिटिंग से कई एनर्जी लेवल्स बनते हैं, जिनके अंदर होने वाले ट्रांजिशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन केवल 2 ट्रांजिशन ही बेसिकली ऑब्जर्व हो पाते हैं, पीक ऑब्जर्व हो पाते हैं, रीजन क्या है, बाकी ट्रांजिशन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए हम उनको इग्नोर कर देते हैं। देखो नेक्स्ट है डी, इसका ना सी भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं डी, डी क्या दे रखा है भाई, VO4-3-। देखो यहाँ पर वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +5, तो ये D0 का केस हो गया, D0। और एक्चुअली LMCT का केस है, ओनली 1 एब्जॉर्प्शन बैंड इज ऑब्जर्व इन विजिबल रीजन। देखो ये MLCT का केस है, LMCT का केस है, 4 ट्रांसफर स्पेक्ट्रम में सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा। LMCT का केस है, एब्जॉर्प्शन बैंड यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, कितने होते हैं सब कुछ LMCT में हम एक्सप्लेन करेंगे, इसका मतलब ये भी यहाँ पर आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा भाई, बी ऑप्शन यहाँ पर होगा, एक एब्जॉर्प्शन बैंड इसके द्वारा हमें प्राप्त होगा, समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, द वायलेट कलर ऑफ आयोडीन वेपर इज ड्यू टू, द वायलेट कलर ऑफ आयोडीन वेपर, देखो ध्यान देना, आयोडीन वेपर I2 वेपर, इसके कलर की बात की जा रही है, इसका कलर किसके कारण होता है, देखो ध्यान देना, अगर हम देखो I2 को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको फ्लोरीन के बारे में बता देता हूँ। जैसे फ्लोरीन के अपन बात करें तो फ्लोरीन के अगर बात करें तो इसका MOT बना सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं। चलो फ्लोरीन का अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो देखो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p 2p5, तो देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहा है, पी के अंदर आ रहा है, तो केवल मैं पी की ही बात कर लेता हूँ, इधर 2p और इधर 2p, ठीक है ना, इस तरह से पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना, ये 2 एटम है तो ये इसका हो गया 2p, एक एटम का ये दूसरे एटम का 2p हो गया, ये फ्लोरीन बीच में F2 मॉलिक्यूल के लिए हमें बनाना है। तो देखो ध्यान देना यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो 1 ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल फिर 2 ऑर्बिटल 1 ऑर्बिटल, इस तरह से आप इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम बना सकते हैं, ये इस तरह से, यहाँ से इस तरह से हम बना सकते हैं, इधर यहाँ से इधर, और इसी तरह से इसकी बात कर सकते हैं, ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, एक्चुअली होता है यहाँ पर σ2πz और यहाँ पर हो गया π2πx π2πy, है ना, इसी तरह से यहाँ पर π2πx*, π2πy*, और यहाँ पर σ2πz*,
एक्चुअली ये जरूरी नहीं कि सिग्मा में आप जेड लो, एक्स भी ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो, ये सब डिपेंड करता है किस पर, ये डिपेंड करता है कि मॉलिकुलर एक्सिस आपने क्या लिया है। मॉलिकुलर एक्सिस बाई डिफॉल्ट अपन जेड कंसिडर कर सकते हैं, इसलिए मॉलिकुलर एक्सिस अगर जेड माने तो सिग्मा जेड के द्वारा बनेगा, पाई जो बॉन्ड होगा वो पी के द्वारा बनेगा, पी एक्स और पी वाई के द्वारा बनेगा, ठीक है। तो मॉलिकुलर एक्सिस को जेड मानते हुए मैंने ये बनाया, कर अभी वो नेसेसरी नहीं है, अपन को तो ट्रांजिशन देखना है। अब देखो ध्यान देना, पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, फाइव, तो वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव, तो कुल मिलाकर फाइव इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे पी में और फाइव इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे, तो फाइव और फाइव कितने हो गए, टेन इलेक्ट्रॉन हो गए ना, टेन इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर भरने हैं। तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, इसका मतलब ये होमो हुआ नहीं हुआ, ये होमो है और इसके जस्ट ऊपर का ये ल्यूमो है, ये ल्यूमो हो गया ल्यूमो, और जो ट्रांजिशन होता है वो हमेशा होमो टू ल्यूमो में होता है, जो ये ट्रांजिशन है जो कि होमो से ल्यूमो में होगा वो ट्रांजिशन कौन सा है, तो देखो होमो टू ल्यूमो ट्रांजिशन हमेशा कौन सा होता है, होमो टू ल्यूमो, होमो कौन सा है यहाँ पर पाई स्टार है और ल्यूमो कौन सा है सिग्मा स्टार है। तो कहने का मतलब है जो फ्लोरीन होगा उसके कलर के लिए मैं कह दूँ फ्लोरीन जो होगा उसमें कौन सा ट्रांजिशन होगा, पाई स्टार टू सिग्मा स्टार। अब देखो ध्यान देना, अगर हम बात करें बाकी हेलोजन्स की, बाकी हेलोजन्स की बात करें तो क्या होगा, देखो अगर हम बात करें फ्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, देखो अगर इन सभी की बात करें तो भाई ये सभी एक ही तो ग्रुप के हैं, अंतर सिर्फ क्या होगा, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है 2p5 तो इसके केस में लिखेंगे 3p5, इसके केस में लिखेंगे 4p5, इसके केस में लिखेंगे 6p5, इतना सा अंतर आएगा 2p3p4p5p5p5, ठीक है ना, लेकिन होगा तो केस तो सेम p5 का है ना, इसका मतलब है p5 जो यहाँ पर बनाया अपने फ्लोरीन के केस में 2p5 बनाया, अगर मैं क्लोरीन का केस लेता हूँ तो यहाँ पर 3p5 हो जाता, ब्रोमीन का केस होता था 4p आ जाता, आयोडीन का केस होता था 5p आ जाता, तो कुल मिलाकर अगर मैं फ्लोरीन की बात नहीं करूँ सीधा हेलोजन की बात करता हूँ तो यहाँ पर X2 का, तो उस कंडीशन में यहाँ पर X हेलोजन, यहाँ पर X हेलोजन और यहाँ पर 2p की जगह जो भी होगा P लिख दो डायरेक्टली, ये P यहाँ पर आ जाएगा, उस कंडीशन में कुल मिलाकर ये हो गया सिग्मा पी जेड, अब 2p 3p जो भी होगा जाएगा ये पाई पी एक्स, ये पाई पी वाई, इस तरह से जाएगा पाई पी वाई, इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा देखो पाई पी एक्स स्टार पाई पी वाई स्टार, ठीक है ना, और यहाँ पर सिग्मा पी जेड स्टार, इस तरह से। तो कुल मिलाकर जर्नल मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया हेलोजन के लिए, समझ में आ रहा है ना, और इनके अंदर जो ट्रांजिशन होगा होमो टू लिम होगा वो कौन सा होगा, सिग्मा स्टार पाई स्टार टू सिग्मा स्टार, और ये जो ट्रांजिशंस होता है ये हेलोजन्स के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कुल मिलाकर पाई टू पाई स्टार टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस, ट्रांजिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ हेलोजन, फॉर कलर ऑफ हेलोजन, कलर ऑफ हेलोजन्स। देखो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, वहाँ पर एक एक मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है ना। तो अगर डाउट हो किसी को, ऐसे तो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी, डाउट होने के कोई चांस नहीं है, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट के डाउट होता है तो आप एक बार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के वीडियो जरूर देख लेना, सारे डाउट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। तो हेलोजन्स के कलर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो आयोडीन वेपर की ही क्यों बात करें, अगर किसी की भी बात की जाए कोई सा हेलोजन चाहे फ्लोरिनो क्लोरिनो ब्रोमिनो या आयोडीन हो, सबके केस में उनके कलर के लिए पाई स्टार टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल होता है, मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट यहाँ पर अब नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में आंसर देखो आप पाई स्टार टू सिग्मा स्टार डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, तो क्वेश्चन नंबर 33 में डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है,
द रेड कलर ऑफ हीमोग्लोबिन इज मेनली ड्यू टू द, हीमोग्लोबिन का रेड कलर किसकी वजह से होता है? देखो रेड कलर ऑफ हीमोग्लोबिन, रेड कलर ऑफ हीमोग्लोबिन HB, देखो क्लियर बता रखा है हीमोग्लोबिन का जो रेड कलर होता है वो एक्चुअली पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से होता है, ठीक है ना, इसकी वजह से होता है, ठीक है ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स है या नहीं है? हीमोग्लोबिन क्या है भाई? आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स, और उसके अंदर डबल सिंगल बॉन्ड कंटिन्यूस है, ठीक है ना, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंजुगेशन कंटिन्यूस है, डिलोकलाइजेशन कंटिन्यूस है, इसलिए पाई एंड पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी गैप कम हो जाता है और वो रेड रीजन से बिलोंग कर जाता है। समझ में आ रहा है ना? अपने को पता है कि देखो ध्यान देना, जैसे मैंने बात करी, देखो VIBGYOR इधर वाले रेडिएशन के लिए एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, तो कहने का मतलब जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स के बीच का एनर्जी गैप कम होता जाएगा तो हम किधर शिफ्ट होने लगेंगे? रेड रीजन की ओर, ठीक है ना। और हीमोग्लोबिन की बात करें तो वहां पर डबल सिंगल बॉन्ड वाला जो कॉन्जुगेशन है पोरफायरिन रिंग के अंदर वो काफी ज्यादा है, इसलिए पाई और पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी गैप काफी कम हो जाता है, इसलिए रेड रीजन से ट्रांजिशन होता है, परिणाम स्वरूप रेड कलर का होता है हीमोग्लोबिन। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सबके यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना, मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा। अब देखो एक बात और समझना, देखो कॉन्जुगेशन जहाँ पर भी होता है जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा ट्रांजिशन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी हमेशा उतनी ही कम हो जाती है। ध्यान देना मैंने क्या बोला, जितने ज़्यादा कॉन्जुगेशन होता है ट्रांजिशन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी हमेशा उतनी कम हो जाती है। बाकी यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस कॉन्सेप्ट को अपन काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कैसा क्यों होता है, अभी उसकी बात नहीं करनी कैसा क्यों होता है, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में काफ़ी डिटेल में इसके बारे में हम बात करेंगे। समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर ऑप्शन होगा देखो इंट्रालिगेंड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। इंट्रालिगेंड क्यों बोला? क्योंकि आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स में पोरफायरिन एक कॉम्प्लेक्स है पूरा, पोरफायरिन एक रिंग है, कॉन्जुगेटेड रिंग है, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड रिंग, ठीक है, जिस तो एक ही लिगेंड में पाई और पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर ट्रांजिशन हुआ है, इसलिए बोला इंट्रा मॉलिक्यूलर, ठीक है, या इंट्रा लिगेंड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, देख क्वेश्चन नंबर 35 क्या दे रखा है, द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्स MnH2 का होल 6+ एंड NiH2 का होल 6+ वुड बी। देखो ध्यान देना, एक तो दे रखा है MnH2 का होल 6 देखो ये हो गया 3D5 हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल का केस हो गया, और सेंट्रोसिमेट्रिक का तो स्पिन फॉरवर्डन लेफ्ट फॉरवर्डन का केस हो गया, तो ये हो गया स्पिन फॉरवर्डन और एंड लेफ्ट फॉरवर्डन। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। देखो नेक्स्ट है NiH2 का होल 6 प्लस 2, देखिए D8 3D8 ऑक्टाइडल इसका केस हो गया, देखो सेंटर सिमेट्रिक ऑक्टाइडल है तो लेफ्ट फॉरवर्डन होगा लेकिन स्पिन अलाउड है D8 का केस है, तो ये केस हो गया भाई स्पिन अलाउड एंड लेफ्ट फॉरवर्डन। अब ऑप्शन यहाँ पर हमको देखना है, ठीक है ना, चलो देखते हैं इसमें, यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन ए स्पिन फॉरवर्डन एंड लेपोट फॉरवर्डन और एंड स्पिन अलाउड एंड लेपोट फॉरवर्डन, ठीक है ना। तो देखो पला तो जाएगा इसमें स्पिन फॉरवर्डन एंड लेपोट फॉरवर्डन, सही है, स्पिन फॉरवर्डन एंड लेपोट फॉरवर्डन, और सेकंड दर का स्पिन अलाउड एंड लेपोट फॉरवर्डन, मतलब ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ए ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। बाकी की अगर बात करते हैं तो बाकी ऑप्शन में कुछ और दे रखा है इसलिए गलत होंगे, ठीक है ना, आप ऑप्शन रीड करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट यहाँ पर अब नहीं होगा।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में आपको क्या दे रखा है भाई, चलो रीड करो फटाफट इसको, क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ स्पिन अलाउड लिगेंड फील्ड ट्रांजिशंस फॉर ऑक्टाहेड्रल एनआई सेकंड कॉम्प्लेक्स विद 3A2G ग्राउंड स्टेट। देखो ध्यान देना, 36, द नंबर ऑफ स्पिन अलाउड लिगेंड फील्ड ट्रांजिशन फॉर ऑक्टाहेड्रल एनआई सेकंड कॉम्प्लेक्स। देखो एनआई सेकंड मतलब एनआई प्लस टू का केस हो गया, 3D8 ऑक्टाहेड्रल का केस हो गया, ठीक है। इसका ऑर्गल बनाएंगे तो ऑर्गल किस साइड में बनेगा, इस साइड में, इस साइड में बनेगा तो देखो कौन सा, 3A2G, 3T2G और 3T1G, 3T1G, ठीक है ना, ये P, ये F, ये F, ये F। ट्रांजिशंस की बात करें तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 3 ट्रांजिशन है सारे के सारे, कहाँ से, 3A2G से है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितने होंगे, 3 होंगे, समझ में आ रहा है। 3 किस में दे रखा है भाई, यहाँ पर दे रखा है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। मल्टीप्लिसिटी 3 क्यों आई, क्योंकि इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, D8 में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। किसी को कोई डाउट है क्या भाई, है क्या डाउट किसी को, नहीं है, सभी के समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, क्लियर यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट कौन सा है इसमें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या दे रखा है समझना, द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन फॉर लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल D4 सिस्टम। देखो D4 सिस्टम है, D4 सिस्टम, ठीक है ना, और इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए हमको चेक करना है। तो देखो D4 लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल की बात करें, लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल, इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देखने, तो D4 लो स्पिन का मतलब तो क्या, T2G4Eg0। लेकिन अगर मैं इसको एक्साइटेड करूँ, एक्साइटेशन, ठीक है ना, एक्साइटेशन, इसको एक्साइटेड करते हैं तो उस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जंप कर जाएगा, मतलब ये हो गया T2G Ag 1, 2, 3, 4। जब आप एक्साइटेशन करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन हो जाएगा इसका T2G 3 Ag 1, तो ये यहाँ पर हो गया 1, 2, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना, ये हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, किसकी, लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल, इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो एक तरह से हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये यहाँ पर हो जाएगी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बारे में आपसे पूछा गया है भाई यहाँ पर, है ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, समझ में आ रहा है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं, सबके क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान देना, कुल मिलाकर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यह है, इसके लिए पूछा गया है। तो एक तरह से देखा जाए तब तो ये तो हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल का केस हो गया ना भाई, लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये है, ये लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल है, इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, अब ये हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल हो गया, ये क्या है, एक तरह से हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल। और इसके अगर बात करें तो इसके लिए ऑर्गल बना सकते हैं, तो कुल मिला के यहाँ पर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखो ये एक्चुअली D4 का केस हो गया, D4 हाई स्पिन का केस हो गया, इसका D4 D9 का ऑर्गल इधर बनेगा, यहाँ पर होगा Eg T2G, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, मल्टीप्लिसिटी होगी यहाँ पर 5, और ये इसकी ग्राउंड स्टेट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ग्राउंड स्टेट। तो कुल मिलाकर अगर ग्राउंड स्टेट की बात करते अपन तो 5Eg आपका आंसर यहाँ पर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा है, 37, क्वेश्चन नंबर 37 में सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 5Eg। और यहाँ पर देखो बात करें अपन ऑक्टाइडल, देखो ऑक्टाइडल में जी काम में लेते हैं, इनमें ऑप्शन में जी तो नहीं दे रखा, लेकिन कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग ऑप्शन थोड़ी है, ऐसे थोड़ी कि एक में जी लगा रखा है, एक में जी नहीं लगा रखा, हमारे पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है किसी में भी जी नहीं लगा रखा, मतलब जानबूझकर क्वेश्चन में जी नहीं लगाया है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, 5Eg ऑप्शन में आपको 5E के टर्म में आंसर दे रखा है, वही आपका आंसर होगा, सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, जैसे एक तो होता 5E और एक ऑप्शन में अवेलेबल होता 5Eg, तो आप फिर 5E पर टिक नहीं करते, 5Eg पर टिक करते, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल का केस है,
ऑक्टाहेडल का केस है। अभी हमारे पास ये ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए हमने इस पर टिक कर दिया। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट यहाँ पर अब नहीं होगा। सबके समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देख, क्वेश्चन नंबर 38 क्या दे रखा है समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शो एनी जॉइंटर, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शो एनी डीडी बैंड इन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। भाई आपको ऐसा केस देखना है जो स्पिन फॉरवर्डन का हो, ठीक है ना, उसमें डीडी ट्रांजिशन नहीं होंगे। तो ए ऑप्शन चलो चेक करते हैं, ए में क्या दे रखा है। ए पी सी एल फोर माइनस, ए पी सी एल फोर माइनस मतलब ए पी प्लस थ्री का केस है, 3d5 मतलब 3d5 टेट्राहेड्रल का केस है। तो 3d5 टेट्राहेड्रल का केस हो गया ये। तो कुल मिलाकर अगर इसकी अगर बात करते हैं तो 3d5 आ गया ना, स्पिन फॉरबिडन है, स्पिन फॉरबिडन होंगे तो इसके अंदर कोई स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होगा ही नहीं, यही अपना आंसर होगा, सॉरी यही अपना आंसर होगा, ठीक है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट कॉम्प्लेक्स इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शो एनी डीडी बैंड। डीडी बैंड किस में नहीं होता, इसमें नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्पिन अलाउड आ रहा है, स्पिन फॉरबिडन आ रहा है। अगर स्पिन अलाउड यहाँ पर आ जाता तो फिर इसमें डीडी बैंड मिलता, लेकिन स्पिन फॉरबिडन आ गया, इसके लिए कोई डीडी एब्जॉर्प्शन बैंड नहीं मिलेगा, यही अपना आंसर होगा। चलो बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं एक बार। बी आपको क्या दे रखा है, बी आपको दे रखा है Cu H2 का होल 6 2 प्लस, ठीक है ना। तो ये हो गया D9 का केस, D9 ऑक्टाहेड्रल, ये तो स्पिन अलाउड है भाई, स्पिन अलाउड में तो डीडी एब्जॉर्प्शन बैंड मिल जाएगा ना, ये अपना आंसर नहीं होगा। सी देखो, सी क्या दे रखा है, Ti H2 का होल 6 3 प्लस, ये D1 का केस हो गया, D1 ऑक्टाहेड्रल, ये भी स्पिन अलाउड है, इसमें भी डीडी एब्जॉर्प्शन बैंड मिलेगा, मतलब ये भी अपना आंसर नहीं होगा। डी ऑप्शन देखो भाई, डी क्या दे रखा है, Ni H2 का होल 6 2 प्लस, ये D8 ऑक्टाहेड्रल का केस है, ये भी स्पिन अलाउड है, इसका मतलब है इसके अंदर भी डीडी एब्जॉर्प्शन बैंड आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो किस में नहीं मिलेगा, ए ऑप्शन में, क्योंकि स्पिन फॉरबिडन है और हमसे यही पूछा है किस में नहीं मिलेगा, इसलिए ए अपना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्लियर है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। देखो क्वेश्चन नंबर 39, अब क्वेश्चन नंबर 39 क्या दे रखा है, इन द फर्स्ट रो हाई स्पिन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स MH2 का होल 6 Cl2 विद D5 एंड D7 मेटल आयन द डीडी ट्रांजिशंस आर। देखो ध्यान देना, ये कॉम्प्लेक्स देखा है MH2 का होल 6 और यहाँ पर दे रखा है Cl2, दोनों Cl को टाइम थे, यहाँ पर +2 चार्ज आएगा। अब देखो ध्यान देना, एक तो दे रखा है D5, एक दे रखा है D7 मेटल आयन द डीडी ट्रांजिशंस आर। देखो अगर यहाँ पर मैं D5 का केस ले लेता हूँ तो ये फिर हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल का केस होगा, तो ये स्पिन फॉरबिडन हो जाएगा, स्पिन फॉरबिडन होगा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं D7 यहाँ पर केस ले लेता हूँ, ये मेटल ऐसा ले लेता हूँ जिसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो रहा है D7, मेटल लाइन कौन सा M+2, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी ना इसकी, ऐसा M+2 ले लेता हूँ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है D7, जैसे यहाँ पर सी हो कोबाल्ट सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में ले लिया, यहाँ पर मैग्नीज +2 ले लिया एटसेट्रा, तो ये हो गया हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल और ये होगा स्पिन अलाउड। चलो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या दे रखा है आपको 39 में, ऑप्शन दे रखा है स्पिन फॉरबिडन फॉर बोथ, गलत है, ये स्पिन फॉरबिडन है जबकि स्पिन अलाउड है सेकेंड। बी दे रखा है स्पिन अलाउड बोथ, ये भी गलत है। सी में दे रखा है स्पिन फॉरबिडन फॉर D5 एंड स्पिन अलाउड फॉर D7, सही है, स्पिन फॉरबिडन फॉर D5 एंड स्पिन अलाउड फॉर D7, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और डी दे रखा है स्पिन अलाउड फॉर D5 एंड स्पिन फॉरबिडन फॉर D7, इसमें गलत दे रखा है, जस्ट अपोजिट दे रखा है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा, सी आंसर होगा। किसी को कोई डाउट है क्या भाई, नहीं, क्वेश्चन नंबर 39 सबके क्लियर हो गया होगा, किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट यहाँ पर अब नहीं होगा, सबके समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, देख क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर देखना है, देखो ध्यान देना, इन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ CrF6 3- एब्जॉर्प्शन बैंड ऑब्जर्व 6
70440 and 290 nanometer आर रेस्पेक्टली ड्यू टू ट्रांजिशंस। चलो देखते हैं इसमें, देखो आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है CrF6-3-, देखो क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट +3, 3D3 ऑक्टाइडल का केस है। ऑर्गल डायग्राम बनाओगे तो D3D8 का ऑर्गल डायग्राम इधर बनेगा, तो देखो T1GP, T1GF, T2GF और A2GF ये है मल्टीप्लीसिटी। अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है तो मल्टीप्लीसिटी होगी 4। ये ट्रांजिशंस की अगर बात करते हैं तो ट्रांजिशन कौन कौन से होंगे, ये 1, 2, 3 ये ट्रांजिशंस होंगे। अब देखो ध्यान देना, ये ट्रांजिशन सबसे कम एनर्जी का है, सबसे कम एनर्जी का है तो इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम होगी नहीं होगी, क्योंकि अपन को पता है एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा होती है, होती ही नहीं होती होते ना, जिसका मतलब है जिसके लिए लैम्डा सबसे ज़्यादा दे रखा है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, तो सबसे ज़्यादा लैम्डा यहाँ पर आएगा। तो देखो सबसे ज़्यादा लैम्डा है 670, तो यहाँ पर आएगा 670 नैनोमीटर। फिर इसकी बात करें तो इसकी एनर्जी बढ़ गई तो लैम्डा थोड़ा कम हो जाएगा, इसके लिए लैम्डा होगा 440 नैनोमीटर। इसके लिए एनर्जी और बढ़ गई तो लैम्डा और कम होगा, तो इसके लिए लैम्डा सबसे कम होगा 290 नैनोमीटर। अब आपसे ही पूछा है, देखो क्वेश्चन दोबारा पढ़ना। इन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ सी आर एफ सिक्स थ्री माइनस एब्जॉर्प्शन बैंड ऑब्जर्व्ड 8670440 and 290 nanometer आर रेस्पेक्टिवली ड्यू टू द ट्रांजिशन। तो भाई कुल मिलाकर ऑर्डर आपको यही रखना है, आपको सीक्वेंस देखना है 4A2G से 4T2G, 4A2G से 4T1G F, 4A2G से 4T1G P, आपको ये सीक्वेंस देखना है। तो देखो 4A2G से 4T2G, 4A2G से 4T1G F, 4A2G से 4T1G P किस में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है ये सीक्वेंस, मतलब डी ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा। बाकी जो थ्री ऑप्शन है उसके अंदर देखो सीक्वेंस चेंज कर रखा है, आप एक बार चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तीन ऑप्शन के अंदर यहाँ पर सीक्वेंस चेंज हो रहा है, डी ऑप्शन में सीक्वेंस एज इट इज दे रखा है ये वाला, क्लियर है। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर यहाँ पर होगा। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41। तो देख क्वेश्चन नंबर 41 क्या दे रखा है, चलो देखो इधर क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सबके समझ में आ गया होगा। और देख क्वेश्चन नंबर 41 क्या दे रखा है, द लोवेस्ट एनर्जी डीडी ट्रांजिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉलो द ऑर्डर इज, लोवेस्ट एनर्जी डीडी ट्रांजिशन इसके बारे में बात की जा रही है, लोवेस्ट एनर्जी डीडी ट्रांजिशन, समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान देना, जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है उसमें देखो CrH2+CrNH3+CrCN6-, देखो सभी में क्रोमियम है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, केवल लिगेंड चेंज हो रहा है, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है। तो कुल मिलाकर क्रोमियम +3 के साथ एक बार तो लिगेंड क्या है H2O है, एक केस में लिगेंड अमोनिया है, एक केस में लिगेंड CN- है, ये आपको दे रखा है। अब लोवेस्ट एनर्जी डीडी ट्रांजिशन किस सीक्वेंस में वेरी करेगा ये आपसे पूछा है। देखो ट्रांजिशन तो सभी केस में सेम होगा, क्योंकि सभी ऑक्टाहेड्रल के केस है, सभी में क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब सारे के सारे केस एक्चुअली D3 ऑक्टाहेड्रल के केस है, तो ट्रांजिशन सभी में 3 है, वो T1G, T2G, T1G, T2G, A2G सबसे कम एनर्जी का, मतलब एक्चुअली यही केस हो जाएगा एज इट इज, ये D3 का ही तो केस है ना, सेम केस बनेगा ये, अपन यही बना सकते हैं इसको एक तरह से, इसके लिए बना देते हैं ये केस हो गया। सबसे कम एनर्जी का ट्रांजिशन कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा लोवेस्ट एनर्जी डीडी ट्रांजिशन, क्योंकि D3 का ही तो केस है ना, D3 का बना रखा है, ये लोवेस्ट एनर्जी डीडी ट्रांजिशन है 4A2G से 4T2G, तो लोवेस्ट एनर्जी डीडी ट्रांजिशन यहाँ पर होगा 4A2G से 4T2G, ये कौन सा है लोवेस्ट एनर्जी डीडी ट्रांजिशन है, ये वाला लोवेस्ट एनर्जी डीडी ट्रांजिशन। अब ये इन कॉम्प्लेक्स के अंदर किस सीक्वेंस में वेरी करेगा भाई, इस ट्रांजिशंस के लिए जहाँ पर डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी चाहिए,
जहाँ पर डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कम होगी उसमें इस ट्रांजिशन के लिए कम एनर्जी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है सीधा सीधा। तो भाई जहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वहाँ पर स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ पर वीक लिगेंड है वहाँ पर स्प्लिटिंग कम होगी, वहाँ पर कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो कुल मिलाकर अगर अपनी एनर्जी की बात करें तो इस ट्रांजिशन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी सबसे कम यहाँ पर चाहिए, क्योंकि लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ में ये एच टो वीक लिगेंड है, इससे स्ट्रॉन्ग एनएच थ्री है, इससे भी स्ट्रॉन्ग सी एन है ना, अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें डेल्टा की, तो देखो सबसे ज़्यादा डेल्टा ओ यहाँ पर होगा, किसमें सबसे कम इस केस में होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं हम सी आर एच टू का होल सिक्स प्लस थ्री, इससे ज़्यादा इस केस में होगा, तो देखो सी आर एन एच थ्री का होल सिक्स, एन एच थ्री का होल सिक्स प्लस थ्री, और इससे भी ज़्यादा यहाँ पर होगा, तो सी आर सी आर सी एन सिक्स माइनस थ्री, ये ऑर्डर होगा। देख लो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, क्रोमियम वाटर एंड अमोनिया और सी एन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देखो ये दे रखा है ए ऑप्शन में। कुल मिलाकर ए ऑप्शन अपना आंसर होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक्चुअली लोवेस्ट एनर्जी डेडी ट्रांजिशंस की बात की जा रही है। लोवेस्ट एनर्जी डेडी ट्रांजिशंस एक्चुअली हमने देख लिया, इसके लिए ऑर्गल बनाकर ये वाला है 4A2G से 4A2G, और अपन से यही पूछा है कि लोवेस्ट एनर्जी डीडी ट्रांजिशन इस इन कॉम्प्लेक्स के अंदर किस प्रकार से वेरी करेगा, तो हमको पता है कि इस ट्रांजिशन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी यहाँ पर कम चाहिए और यहाँ पर ज़्यादा चाहिए। रीजन क्या है, इस लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है स्प्लिटिंग ज़्यादा करेगा, वीक लिगेंड स्प्लिटिंग कम करेगा, स्प्लिटिंग कम होगी तो रिक्वायर्ड एनर्जी कम होगी, स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो रिक्वायर्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, इसलिए ये ऑर्डर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सबके समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 क्या दे रखा है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल ऑफ कोबाल्ट आयन इन COH2 का होल 6-2 प्लस एंड COCl4-2 माइनस रेस्पेक्टिवली आर। देखिए एक तो COH2 का होल 6-2 प्लस मतलब ये हो गया D7 ऑक्टाहेड्रल, हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल, और दूसरा दे रखा है COCl4-2 माइनस, देखो ये 3D7 टेट्राहेड्रल का केस हो गया। अब अगर मैं इसका ऑर्गल बनाऊँ D7 का, अच्छा आपसे क्या पूछा है, ग्राउंड स्टेट आपसे पूछिए, क्या पूछा है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट। ठीक है, देखो D7 ऑक्टाहेड्रल का ऑर्गल बनाओगे आप तो किस साइड में बनेगा, D7 ऑक्टाहेड्रल का ऑर्गल इधर बनेगा, D2 D7 का इधर ऑर्गल बनेगा तो कैसे बनेगा, T1G, T2G, A2G, T1G, T2G, T1G P और A2G बना रखा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर इसका ऑर्गल बनाते हैं तो ऐसा बनेगा T1G, T2G, T1G P और A2G, ये ऑर्गल बनेगा। मल्टीप्लिसिटी आप 3 unpaired इलेक्ट्रॉन है तो 4 होगी, ठीक है ना, ये F के केस है, ये F के केस है, ये F के केस है, जबकि ये P का केस है। ग्राउंड स्टेट आपसे पूछिए तो ये आपका आंसर होगा इसमें 4T1G, और इसकी भी ग्राउंड स्टेट पूछिए, ये D7 टेट्राहेड्रल का है, D2 D7 ऑक्टा का ऑर्गल इधर बनेगा जबकि D2 D7 टेट्रा का ऑर्गल इधर बनेगा, जब इधर वाला ऑर्गल बनाएंगे तो सीक्वेंस कंप्लीट अपोजिट हो जाएगा। ये 3D7 टेट्राहेड्रल का मैं यहाँ पर बनाकर आपको बता देता हूँ, 3D7 टेट्राहेड्रल यहाँ पर बनाकर बता देता हूँ ना, इसको हटा देता हूँ ऊपर से यहाँ से, ये 3D7 टेट्राहेड्रल। देखो D2 D7 ऑक्टा का ऑर्गल इधर है, D2 D7 टेट्रा का ऑर्गल इधर है, इस साइड में ऑर्गल आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे, यहाँ पर ऑर्गल बनेगा देखो T1G, T2G, A2G, लेकिन टेट्राहेड्रल का केस है तो G यहाँ से आप हटा दो, ये G यहाँ से हटा दो, ये G, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 तो मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर 4 होगी। ठीक है, ये P का केस है, ये F का है, बाकी सब F के केस है। ग्राउंड स्टेट आपसे पूछिए तो ये आपकी ग्राउंड स्टेट यहाँ पर होगी। तो कुल मिला के 3D7 ऑक्टा और 3D7 टेट्रा में ग्राउंड स्टेट पूछिए तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 4T1G एंड 4A2, तो आपका आंसर यहाँ पर होगा देखो 4T1G एंड 4A2, ये आपका आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन चेक करो, यहाँ पर चेक करो, देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है,
फोर टी वन जी एंड फोर ए टू, फोर टी वन जी एंड फोर ए टू। देखो बी ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर हो गए होंगे, क्वेश्चन में 29 टू 42 तक कोई डाउट नहीं होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्लियर है भाई? कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं है? चलो कर लो इसको कंप्लीट नोट।